नोएडा पुलिस ने शुक्रवार को 25 करोड़ की एक ऐसी चोरी की वारदात का खुलासा किया है जिसकी आज तक रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराई गई थी। सितंबर में हुई वारदात का खुलासा पुलिस ने तब किया जब चोरी करने वाले दो बदमाश दबोच लिए गए। दोनों के पास से सोने के 1-1 किलो के दो बिस्किट बरामद किए गए। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो काले धन की चोरी का यह अजब मामला सामने आ गया। इसके बाद ताबड़तोड़ दबिश देकर पुलिस ने गिरोह के 4 और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से सोने के 10 बिस्किट और करीब 13 किलो 900 ग्राम की ज्वेलरी, 57 लाख रुपये, स्कॉर्पियो व 1,10,00,000 की जमीन के कागजात बरामद किए हैं। DCP राजेश एस के अनुसार सूचना थाना सेक्टर 39 पुलिस ने सदरपुर सोम बाजार कट से सलारपुर नोएडा निवासी राजन भाटी और गांव मुरादाबाद थाना भोजपुर गाजियाबाद निवासी अरुण को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से सोने के 1-1 किलो के 2 बिस्किट और कुछ रुपये बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 8 अन्य साथियों के साथ मिलकर सितंबर में ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर क्षेत्र के डेल्टा 1 स्थित सिल्वर सिटी के एक कमरे में चोरी की थी। वहां से करीब 6.5 करोड़ रुपए के अलावा 40 किलो के बिस्किट व जेवर चुराए थे। हैरानी की बात तो यह है कि करीब 25 करोड़ की चोरी के बारे में किसी ने पुलिस में मामला तक दर्ज नहीं कराया था। इसके बाद दबिश देकर 4 अन्य आरोपियों गाँव भूड़ा सेक्टर 81 निवासी जय सिंह व नीरज और सलारपुर नोएडा निवासी अनिल बिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि 4 अभी फरार हैं। DCP ने बताया कि आरोपियों ने चोरी के बाद 4-4 किलो सोना और 65 लाख रुपए बांट लिए थे। बरामद स्कॉर्पियो भी आरोपियों ने चोरी के पैसों से ही खरीदी थी। आरोपियों से करीब 8,25,00,000 रुपये का माल बरामद हुआ है। खबर तहकीकात के लिए नोएडा से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। तो पूरा पूछताछ की गई थी, पूछताछ में ये क्लियर हुआ कि एक मकान है सिल्वर सिटी करके ग्रेटर नोएडा में, उस मकान में पिछले साल 2020 सितंबर के महीने में ये 10 लोग मिलकर एक घर से चोरी किया गया। उस चोरी का माल में ये लोग आपस में बांट दिए। बांटने के बाद ये लोग अपना अपना अभी तक आराम से ये रह रहे थे और इसमें जो 2 लोग हम पहले पकड़े थे उन्हीं लोगों का आपस में कुछ लड़ाई के चक्कर पे कुछ सूचना मिल गई थी। तो इसमें क्या क्या चोरी हुई थी हम लोग पूरा ढंग से पूछताछ किया था। पूछताछ में ये पता चल गया कि तो उस मकान से ये लोग लगभग 40 का जो सोने का बिस्किट है 1 किलो का, वो इसके अलावा करोड़ों रुपये चोरी चली गई थी। इन लोगों से अभी हम लोग बरामद किए थे। कुल मिला के अभी हम लोग 6 लोगों को गिरफ्तार किया, 4 लोग अभी गिरफ्तार से शेष है और वो लोग गाजियाबाद से अभी फरार चल रहे हैं। जो 6 लोग से हम लोग अभी तक कुल 13 किलो 9 ग्राम का सोना और 1 करोड़ का जमीन ये लोग खरीदे थे, उसका रजिस्ट्री का पेपर्स और 57 लाख का कैश इतना बरामद किया गया। कुल बरामदगी 1,25,00,000 लगभग का पूरा हम लोग बरामद किए हैं। ये कुल रुपया में मैं बता रहा हूँ। इसमें बाकी शेष बचे 4 लोगों को जब और आगे गिरफ्तार करेंगे उसमें और चीज़ें खुल सकती हैं। इसमें पूछताछ में ये जो पता चल गया कि ये मकान जो जिसके चोरी किया उनके बारे में ये लोग बता रहे थे, वो एक व्यक्ति है। हेल्दी विंग हॉस्पिटल, हमारे यहाँ पर टूटी हड्डी व जोड़ों का इलाज किया जाता है, कमर रीढ़ में दर्द व पुराने गठिये रोग का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व महीने के पहले सोमवार को फ्री OPD की भी सुविधा, साथ ही स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है BN कॉम्प्लेक्स, मोतीबाग रोड, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91 गांव चंदेरू, दहली रोड, बुलंदशहर। आहूजा पान भंडार, हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर।